हम बात करने वाले हैं C++ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए? अल्फाबेट। दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, राइट? यदि मैं ऐसा लिखता हूँ int hash a, दिस इज इनवैलिड क्योंकि फर्स्ट लेटर स्पेशल कैरेक्टर है। यदि मैं ऐसा लिखता हूँ int _b, दिस इज इनवैलिड क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर _ अलाउड है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट। किसी भी आइडेंटिफायर के नाम का पहला लेटर कंपलसरी अल्फाबेट होना चाहिए। सुन ले बच्चे ध्यान से कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं C++ में, और जब आप आइडेंटिफायर्स को यूज करोगे सो व्हाट आर द रूल्स यू नीड टू फॉलो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है C++ में जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को यूज कर दें। अगर आपने ऐसा लिख दिया 10, तो अब ये 10 कौन है? ये 10 मेमोरी में रखा हुआ है, तो इस 10 को अगर या कोई डेटा अगर मैं यूज करूंगा तो उस डेटा का मेमोरी में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, कि वो डेटा मेमोरी में कहां रखा हुआ है, उसको किस नाम से एक्सेस किया जाएगा। तो ये कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। इंपॉर्टेंट रूल, एक्सेप्ट _, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं C++ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से फोकस होकर इसको हमें समझना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है एज अ बिगिनिंग लेवल आपको जब तक टर्मिनोलॉजीज पता नहीं होंगी तब तक आप प्रोग्रामिंग उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आइडेंटिफायर का एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, लेकिन यहां पर आज हम उनकी डिटेल में बात करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं C++ में, और जब आप आइडेंटिफायर्स को यूज करोगे सो व्हाट आर द रूल्स यू नीड टू फॉलो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है C++ में जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को यूज कर दें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो मैंने यहां पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, और मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक है, केवल फोकस रहना है, केवल समझना है चीजों को, ठीक है? अब देखिए हमने क्या लिखा है, नेम ऑफ वेरिएबल, क्लास, स्ट्रक्चर, अरे, ठीक है, ये सब कहलाते हैं आइडेंटिफायर। कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग के लिए C++ में आपको, हालांकि देखिए मैं आपको एक इनिशियल लेवल पे एक चीज बताता हूं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि अभी आप क्लास को समझ पाए या अरे को समझ पाए, ठीक है? यदि आपने फर्स्ट टाइम आप इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं C++ को, ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू, ये आपके लिए नए शब्द होंगे थोड़े से, राइट? अरे, क्लास, लेकिन अभी हमें फोकस नहीं करना है, अभी हमें केवल ये सोचना है कि जब हम C++ में प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, हमें अरे की रिक्वायरमेंट्स होगी, हम मेथड्स बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जब आप इनको यूज करोगे तो आपको इनको मेमोरी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, अगर ये आपकी मेमोरी है, अगर मैंने एक क्लास बना दी, सपोज ये मैंने क्लास बना दी, ठीक, अब इस क्लास का मेमोरी में कोई नाम ही नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? आप सिंपल सा लॉजिक सुनिए कि आपकी भी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, मुझे मेरे नाम से जाना जाता है, मेरी एक आइडेंटिफिकेशन है, मेरा एड्रेस है, ठीक है? तो यदि आपसे कोई मिलने आना चाहे तो आपके एड्रेस पे आएगा, यदि आपको कोई बुलाएगा तो आपके नाम से बुलाएगा। और नाम कब दिया गया आपको? जब हमारा बर्थ हुआ तो उसके बाद हमें एक नाम दे दिया गया ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें एक नाम दे दिया गया है जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, कि अब हमें इस नाम से जाना जाएगा। कोई भी प्लेस होती है तो उसका नाम होता है। तो वैसे ही बच्चे, जब आपने क्लास बनाई, अब ये क्लास आपने कोडिंग में बनाई, इसका कोई नाम ही नहीं है मेमोरी में, अब ये मेमोरी में कहां रखी हुई है, इसको कैसे एक्सेस करूंगा? तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अगर आपने ऐसा लिख दिया 10, तो अब ये 10 कौन है? ये 10 मेमोरी में रखा हुआ है, तो इस 10 को अगर या कोई डेटा अगर मैं यूज करूंगा तो उस डेटा का मेमोरी में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, कि वो डेटा मेमोरी में कहां रखा हुआ है, उसको किस नाम से एक्सेस किया जाएगा। तो ये कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट द नेम जो कि हम यूज करते हैं, किनके नाम, अरे जो भी आप डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल, क्लास, अरे, स्ट्रक्चर, मेथड्स, फंक्शन, जो भी हम C++ में डिक्लेयर करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है तो मेमोरी में उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन हम रखेंगे, मुझे एक क्लास बनाना है तो मेमोरी में उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन रखेंगे। तो जैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन है वैसे ही क्लास में हम इन सब के आइडेंटिफिकेशन रखेंगे, राइट? तो अब आप देखिए यहां पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब अगर आप 10 लिख रहे हैं, इससे बेटर है आप ऐसा लिखें int a, ठीक है, एंड देन a इक्वल टू 10। तो बच्चे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये a वेरिएबल है,
दिस इज अ वेरिएबल बट दिस ए इज एन आइडेंटिफायर. एक्चुअली मेमोरी में ये आइडेंटिफायर है. ये हमने डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैंने वेरिएबल्स को लेकर आपको कॉन्सेप्ट बताए थे. तो वेरिएबल का जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर है और ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे कॉन्स लगा दो आप. अगर आपने कांस्टेंट लगा दिया तो अब ये वैल्यू आगे बदल नहीं सकती, लेकिन आइडेंटिफायर तो फिर भी है ना इसका ए. तो जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हमने क्या किया, इसका नाम रखा. ऐसे ही मान लो अगर मैं कोई क्लास बनाऊंगा तो मैंने क्लास का नाम रखा माई क्लास. ठीक है, अरे नया कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से. मेरे को मुझे पता है कि बिल्कुल हम बिगिनर लेवल पे बात कर रहे हैं, आप क्लास पे दिमाग मत लगाओ. क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसका डिटेल बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस. लेकिन फिलहाल आपको केवल आइडेंटिफायर को फोकस करना है. ये मैंने क्लास बनाई तो ये मैंने नाम रखा ना बेटा. तो जब ये क्लास मेमोरी एलोकेट करेगी तो इस क्लास का मेमोरी में एक नाम है माई क्लास, इसको इस नाम से जाना जाएगा. राइट, यदि मान लो मैं कोई इसमें मेथड बनाता हूं, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले एक मेथड है जिसका मेमोरी में कोई ना कोई नाम है. तो अगर मुझे आगे इसको कहीं भी यूज करना है तो मुझे पता है डिस्प्ले नाम की एक मेथड है जो कि क्लास में रखी हुई है, तो मैंने इसका एक नाम दिया हुआ है. ओके, तो क्लास का नाम, मेथड का नाम, अरे का नाम. अगर इसे अरे डिक्लेयर करोगे आप एआर के नाम से, 100 का आपने अरे बना दिया, तो एआर क्या है, इट्स अ नेम जिसको हम आगे इस नाम से एक्सेस करेंगे. तो जब भी हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्लास डिक्लेयर करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर, इनम, अरे, तो जब हम इनको डिक्लेयर करेंगे तो इनके जो नाम होंगे वो नाम कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आइडेंटिफायर मतलब क्या. सिंपल सी बात है, देखो आप, अ नेम वो आइडेंटिफाई अबव स्टेटमेंट इन मेमोरी, जो इन स्टेटमेंट को मेमोरी में आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं. ये वेरी सिंपल इंटरव्यू का सबसे सिंपल आंसर है. व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है. सो द नेम ऑफ वेरिएबल, अरे, स्ट्रक्चर, मेथड, क्लास, फंक्शन, ये आइडेंटिफायर है. अगर वो अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट दिस आइडेंटिफायर डिड, तो आप बता सकते हैं सर दिस आर द नेम वो आइडेंटिफाई अरे स्ट्रक्चर क्लास इन मेमोरी. कि जब आप मेमोरी में इनको डिक्लेयर करोगे तो इनका कोई ना कोई आइडेंटिफायर होगा ना, तभी तो हम आगे प्रोग्रामिंग में इनको यूज करेंगे. नहीं तो आप यूज कैसे करोगे, आपको क्या पता इतनी बड़ी मेमोरी में आपका डेटा कहां रखा हुआ है. अरे इतने बड़े वर्ल्ड में आप कहां हो, ये आपके एड्रेस से आइडेंटिफाई होता है ना, आपके नाम से आइडेंटिफाई होता है. अगर आपको किसी को कोई लेटर भेजना है तो इतने बड़े वर्ल्ड में कहां भेजेगा आपको, तो आप क्या बताओगे, अपने आइडेंटिफिकेशन बताओगे, आपका आधार कार्ड आपका आइडेंटिफिकेशन है. गॉट इट. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. लेकिन जब इन आइडेंटिफायर्स को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, सो वी नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स. हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं जो कि C++ के डेवलपर ने हमें दिए हैं. और आप समझिए इसको केवल C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए, आप कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे, C++, जावा, पाइथन, तो हर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स होते हैं. आइडेंटिफायर केवल C++ में होते हैं, लेकिन हाँ, एक बार आपने अगर इसको C++ में अच्छे से समझ लिया तो आने वाली लैंग्वेज में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है. ना समझ में आ रही है ना, कुछ चीजें जो हम बिगिनिंग लेवल पे समझ लेते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर आगे बड़ा आसानी से काम करता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस हमारी लाइफ के स्ट्रक्चर. ओके, तो वैसे ही यहां पर आप समझो कि यदि आप आइडेंटिफायर को यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स. आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उन आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते टाइम. तो हम यहां पे एक एक रूल को डिक्लेयर करते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. कि यदि बोला गया है कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, और ये ध्यान से सुनना, ये रूल हर आइडेंटिफायर पर एप्लीकेबल है, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो अरे का नाम हो, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो मेथड का नाम हो. ये रूल से आइडेंटिफायर के ऊपर क्लियरली मेंशन मैंने किया है. तो इनको किसी वेरिएबल के रूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, ना इनको कोई मेथड के रूल पढ़ना है. दीज आर द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन C++. ठीक है, तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करोगे आपको सबसे पहला रूल फॉलो करना है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट. आपका जो पहला कैरेक्टर होगा कंपलसरी अल्फाबेट होना चाहिए. कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको एक वेरिएबल के साथ बताऊं आपको, तो यदि आपने एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर कर दिया 1a, सो दिस इज एरर. लेकिन अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a1, सो दिस इज वैलिड, क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है, वो स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है. और ये रूल वेरिएबल पर नहीं, अगर मान लो मैं कोई क्लास बना रहा हूं, ठीक है, और अगर मैंने क्लास का नाम रख दिया क्लास 1 2 3, तो दिस इज एन एरर. क्लास नेम शुड नॉट बी नंबर्स, बट यस, अगर मैंने इसके आगे ए लिख दिया तो क्लास ए 1 2 3 दैट इज वैलिड.
क्योंकि क्लास के नाम का जो पहला सॉरी नॉट द क्लास नेम आइडेंटिफायर के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए अल्फाबेट. दिस इज वैलिड स्टेटमेंट राइट. यदि मैं ऐसा लिखता हूं इंट हैश ए दिस इज इनवैलिड क्योंकि फर्स्ट लेटर स्पेशल कैरेक्टर है. यदि मैं ऐसा लिखता हूं इंट अंडरस्कोर बी दिस इज इनवैलिड क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर अलाउड है लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट. किसी भी आइडेंटिफायर के नाम का पहला लेटर कंपलसरी अल्फाबेट होना चाहिए. सुन ले बच्चे ध्यान से. अगर आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बहुत फोकस्ड होके आपको पढ़ना है. आगे बहुत लंबा सफर तय करना है. खुशी की बात यह है कि कम से कम आपने शुरुआत की है. कहीं तो ऐसे ही हैं जो अभी तक घर में ही बैठे हुए हैं. घर में बैठे इन द सेंस कि अभी तक उन्होंने सोचा ही नहीं है कि करियर में करना क्या है. आपके साथ प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यह है कि आपने स्टेप लिए और जिसने स्टेप लिए है वो मंजिल तक तो पहुंचेगा. यह तो श्योरिटी है. बस आपको फोकस रहना है. मैं बार बार एक ही बात करता हूं. केवल मैं आइडेंटिफायर के सेंस में नहीं बोल रहा हूं. ठीक. तो आई होप पहला रूल आपको समझ में आया है. फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और यू कैन से दैट फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट. किसी भी आइडेंटिफायर के नाम का पहला लेटर कंपलसरी अल्फाबेट होना चाहिए चाहे वो अरे का नाम हो क्लास का नाम हो स्ट्रक्चर का नाम हो मेथड का नाम हो. ठीक है. सेकंड रूल नो स्पेस अलाउड इन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर. नाम में स्पेस अलाउड नहीं है. अगेन रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. पहला रूल आपको समझ में आया. सेकेंड रूल ये बोलता है कि बॉस आप जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करोगे उस आइडेंटिफायर के नाम में जैसे अगर आपने एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया मान लो रोल नंबर. अब आपने ऐसा लिख दिया रोल स्पेस नंबर. रोल स्पेस नंबर तो वो पता है एरर ये नहीं देगा कि स्पेस नॉट अलाउड. वो एरर देगा कॉमा मिसिंग. जो एरर आएगी ना उसमें आएगी कॉमा मिसिंग. अब कॉमा मिसिंग की एरर क्यों आ रही है क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है. वो ये मान ही नहीं रहा है कि आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है एक नाम का. उसके हिसाब से ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं और आपको बीच में कॉमा लगाना चाहिए. तो वो बोल रहा है कॉमा मिसिंग क्योंकि बिकॉज देयर इज नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर. अगर आप एक क्लास डिक्लेयर कर दे मान लो आपने ऐसा लिख दिया क्लास एम्प्लॉय डेटा. ठीक है. अगर मान लो कोई क्लास आप बना रहे एम्प्लॉय डेटा के लिए दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट क्योंकि आपने बीच में स्पेस दे दी. So you have to remember these small, small things when you are starting a programming. ठीक है. कि नाम जब भी आप declare करेंगे space allowed नहीं है. चाहे वो class का नाम है चाहे वो variable का नाम है चाहे वो method का नाम है. मान लो अगर आप कोई function बना रहे हैं और आपने ऐसा लिख दिया display data. ठीक है. तो again this is an error. ये error है क्योंकि बीच में space allowed नहीं है. ठीक है. ये सब क्या है क्या नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है don't worry. केवल नाम पे focus कर बच्चे. अभी तो केवल ये फोकस करो कि मैं आइडेंटिफायर आपको पढ़ा रहा हूं. वो किसके लिए पढ़ा रहा हूं दैट डजंट मैटर. वो क्लास का नाम हो सकता है. ठीक है. अगर क्लास नहीं पढ़ी है तो नाम पे समझ लो बस अभी. ठीक है. तो वेरिएबल का नाम क्लास के नाम में कहीं भी स्पेस अलाउड नहीं है. अगर यहां पर आपने स्पेस दे दी तो दिस इज एन एरर. तो रिमेंबर दिस सेकंड रूल नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर. राइट. तीसरा इंपॉर्टेंट रूल एक्सेप्ट अंडरस्कोर. नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर. स्पेशल कैरेक्टर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. आपका जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में 0 से लेके 9 तक जो कीज होती हैं उनको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज. जो ए से लेके जेड तक कीज होती हैं उनको बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज. जो F1 से लेके F9 तक होती हैं उनको बोलते हैं फंक्शनल कीज. और इनके अलावा जो होती है वो कहलाती है स्पेशल कैरेक्टर. गॉट इट. तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब क्या क्या होते हैं हैश एट द रेट अंडर स्कोर डैश ठीक है क्वेश्चन मार्क ये सब कहलाते हैं स्पेशल कैरेक्टर. तो इन सारे स्पेशल कैरेक्टर में आप कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो केवल अंडरस्कोर. मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं रोल अंडरस्कोर नंबर दैट इज वैलिड. क्यों अंडरस्कोर अलाउड किया क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं थी. और आपको अगर ऐसा डिक्लेयर करना है विद स्पेस तो आप अंडरस्कोर लगा दो. तो रोल अंडरस्कोर नंबर दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट. तो स्पेशल कैरेक्टर में वो केवल क्या अलाउड करेगा अंडरस्कोर. एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है और वो भी मिड में मतलब बीच में स्टार्टिंग में नहीं. फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट. फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट. रिमेंबर दिस थिंग. गॉट इट. तो तीसरा रूल आई होप आपको समझ में आए कि जब भी आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डिक्लेयर यूज करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर. ओके. टाइमली इस रूल को आगे चेंज किया गया है बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. जैसे जावा में आप अंडरस्कोर के अलावा डॉलर को भी यूज कर सकते हैं डॉट को भी यूज कर सकते हैं लेकिन हियर इन सी प्लस प्लस के जो वर्जन में हम बात कर रहे हैं इट अलाउड ओनली
underscore as an special character. No other special character allowed in between the name of variable, और वो underscore भी आपको बीच में लगाना है. इसके अलावा अगर आपने गलती से ऐसा कुछ लिख दिया कि मान लो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए डैश, या आपने ऐसा लिख दिया मान लो emp डैश नंबर, सो दिस इज इनवैलिड. ठीक है, यदि आपने लिख दिया मान लो इंटीजर e डॉलर, ठीक है, तो दिस इज इनवैलिड बिकॉज दिस ऑल अंडरस्कोर्स आर नॉट अलाउड. तो आई होप ये सेकेंड रूल थर्ड रूल आपको समझ में आए कि एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड. ठीक, तो फर्स्ट रूल क्या है, अभी तो और भी रूल है. फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल और सॉरी आइडेंटिफायर. थर्ड, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है. ठीक है, फोर्थ रूल विच इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, हालांकि इसी पर हम हमारा अगला टॉपिक है, ठीक, वो अभी मैं बात करता हूं. नो कीवर्ड अलाउड इन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर, यही मैं अभी आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. अभी लेते हैं इसको, कीवर्ड मतलब क्या, रिजर्व वर्ड जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस ने अपने पर्पस के लिए रिजर्व किए हुए हैं. अब देखना जब इनको आप एडिटर में यूज करोगे तो यू विल फाइंड दिस कीवर्ड्स इन डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में मिलते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपने अपने एडिटर में कीवर्ड्स का कलर क्या सेट किया हुआ है. जनरली अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में देखेंगे तो आपको ये व्हाइट कलर में दिखेंगे, यदि आप इनको VS कोड में देखेंगे जनरली तो ये ब्लू कलर में दिखेंगे, लेकिन कलर इज नॉट अ फिक्स्ड. लेकिन कीवर्ड्स का मतलब है रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड मतलब जो ऑलरेडी C++ के डेवलपर ने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं, तो वो आपको इनको एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करने देगा. बात समझ में आ रही है, तो कीवर्ड्स मतलब क्या कि ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी रिजर्वड है, ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलपर ने रिजर्व किए हुए हैं, ये कहलाते हैं कीवर्ड्स. और आप समझिए, चलिए अभी हम कंटिन्यूशन में कीवर्ड को ही देख लेते हैं ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कीवर्ड्स. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है, क्लास, ठीक, इसके अलावा पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब C++ में कीवर्ड्स हैं. ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ये सब, इसके अलावा एंडल, ये सब यहां पे कीवर्ड्स हैं. रिमेंबर दिस थिंग. और ऐसे टोटल देखो आप, टोटल कीवर्ड कितने हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है. सी प्लस प्लस जो है, अब यहां पर आप समझना, मैं थोड़ा सा कीवर्ड को ही कवर करता हूं, ठीक है. सी प्लस प्लस जो है, हम क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस इज एक्चुअली सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना. हम बोलते हैं सी प्लस प्लस जो है वो सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब इसमें सी के सारे कॉन्सेप्ट एज यूजुअल हम यूज कर रहे हैं. सी के जितने भी कॉन्सेप्ट आप एज इट इज उनको सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो. और हम देखेंगे आगे इनको प्रोग्रामिंग में. तो सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड है 32 सी में, तो ये 32 तो सी प्लस प्लस में एज इट इज यूज होंगे. लेकिन इसके अलावा जो सी प्लस प्लस ने कीवर्ड ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, राइट, वो सी प्लस प्लस के डेवलपमेंट में, ओके, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंडल, ये सब बहुत सारे हैं. लेकिन कुछ ऐसे हैं while, for, do, जैसे ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये पूरी लिस्ट है पब्लिक, ये तो मैंने आपको कुछ नाम लिखे हैं, ऑपरेटर, ब्रेक, कंटिन्यू, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंडल, वाइल, फॉर, डू, ये सब कीवर्ड्स हैं. और ऐसे टोटल मिला के सी में 32 कीवर्ड्स हैं जो एज इट इज सी प्लस प्लस में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सी प्लस प्लस के अपने कीवर्ड्स भी हैं. तो वर्जन के हिसाब से आप इनको अलग अलग बुक में अगर देखेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, कहीं पर आपको मिलेगा 48 कीवर्ड्स हैं, कहीं पर आपको मिलेगा 50 कीवर्ड्स हैं, बट करेंट वर्जन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो C++ इज हैविंग टोटल 63 कीवर्ड्स, टोटल 63 कीवर्ड्स हैं इंक्लूडिंग दिस 32 को मिला के, कि C++ में जो टोटल कीवर्ड्स हैं वो 63 है. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको याद है शुरुआत में बोला था कि C++ डेवलपमेंट के बाद से चार बार अपडेट हुआ है. तो जैसे जैसे अपडेट हुआ है 2007, 2011, 2017, 2020, तो जैसे जैसे अपडेट हुआ वैसे वैसे इसमें कीवर्ड्स बढ़ते गए. तो जो करेंट अपडेटेड वर्जन है दैट कंसिस्ट टोटल 63 कीवर्ड्स, लेकिन प्रीवियस वर्जन में 50 थे, उसके पहले 42 थे, सी था जब 32 थे, 32 के बाद सी प्लस प्लस का जो पहला वर्जन आया उसमें कुछ कीवर्ड्स बढ़े. तो ऐसे बढ़ते 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 टोटल कीवर्ड्स अगर हम आज की बात करें तो सी प्लस प्लस में 63 कीवर्ड्स है इंक्लूडिंग दिस 32 को मिला के. तो कीवर्ड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं
तो आप उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। बच्चे सुन ध्यान से, अगर एक घर में एक बच्चे का नाम है सपोज अशोक, तो अशोक एक का नाम रख दिया ना, अब उसी का छोटे भाई का नाम अशोक थोड़ी ना रखेंगे, अशोक वन अशोक टू महेश वन महेश टू, घर में ऐसे नाम होते हैं क्या? अरे एक ने अगर एक नाम रिजर्व कर लिया तो दूसरे का नाम कुछ और रखेंगे। तो वैसे ही जब सी प्लस प्लस ने के डेवलपर ने जब C++ डेवलप कर रहे तो क्लास एंडल पब्लिक प्रोटेक्टेड ब्रेक कंटिन्यू ये सब रिजर्व वर्ड है। तो आप देखिए, यदि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, टेल मी, यदि मैं ऐसा लिखता हूं इंट सपोज बी, तो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। आप देखिए जितने रूल मैंने आपको बताया सारे फॉलो हो रहे हैं, बी आर ई ए सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसका नाम ब्रेक रखूंगा इट्स एन एरर, क्योंकि ब्रेक एक रिजर्व वर्ड है। अगर मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं फ्लोट CLASS, तो दिस इज एन एरर क्योंकि क्लास है, कीवर्ड है, तो ये आप नहीं रख सकते, ना वेरिएबल के नाम, ना क्लास के नाम, ना अरे के नाम। लेकिन हाँ, आप बोलोगे सर अगर ऐसा रखते तो इंटीजर ब्रेक, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी कैपिटल हो सकता है, लेकिन छोड़ो ना, मतलब कोई जरूरी थोड़ी है यही नाम रखना है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें हम, तो इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। लेकिन आप जो कीवर्ड्स है वो स्मॉल लेटर्स में, जितने भी कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस में दे ऑल आर इन स्मॉल लेटर, तो यदि आप स्मॉल लेटर में इनके नाम लिखोगे तो एरर है, लेकिन अगर आप एक भी लेटर कैपिटल कर दोगे तो इट्स वैलिड, कोई इशू नहीं है। जैसे अगर मैं डिक्लेयर करता हूं इंट सपोज फ्लोट, एक वेरिएबल का नाम मैंने फ्लोट रख दिया, ये वैलिड है क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है। बट मेरा सजेशन ये है आपको कि क्यों अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करें हम, इसीलिए इनको अवॉइड करें प्रोग्रामिंग से। कुछ डेवलपर ये सजेस्ट करते हैं कि उसने रूल ही दिया कि बॉस नो रिजर्व वर्ड अलाउड एज एन आइडेंटिफायर, है ना, तो हम भी उसको अलाउड क्यों यूज करें। ओके, लेकिन अगर आपको करना है तो फिर ये बात अलग है कि नहीं सर मेरे को तो करना है, तो करना है तो फिर बेटा फिर कोई रोक नहीं सकता ना, सर मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो कौन रोकेगा, जाना है तो जाना है, ठान लिया है तो जाएंगे। तो अगर एसेंशियल है तो बात अलग है, लेकिन मेरा सजेशन यही कि आप माइक्रोसॉफ्ट में तो जाना है लेकिन इसको अवॉइड करें कि रिजर्व वर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये भी हमने देखे कुछ रूल्स कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट एक्सेप्ट अंडर स्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, ठीक है, नो स्पेस अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल, देन हमने देखा नो कीवर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम। तो आई होप कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो कीवर्ड्स हैं दिस आर 63 keywords in C++ including 32 of C. Okay, last इसमें थोड़ा सा फिर से वही confusion है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, देखिए मैं आपको C++ उस level से पढ़ा रहा हूं जिस level से C++ develop हुई थी, जहां से हम उन rules को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन अपडेशन के बाद काफी कुछ changes हुआ है, तो इसीलिए मैंने कुछ जो particular rule है उनको मैंने specifically आपको explain किया है कि reserve word अलग अलग वर्जन में आपको अलग अलग मिलेंगे। वैसे ही ये जो रूल है मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी आइडेंटिफायर इज ओनली 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ये इनिशियल रूल था, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार का साइन लगाया हुआ कि ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन नाउ डेज देर इज नो रूल क्योंकि अपडेट जब वर्जन आए हैं तो ये रूल फिर से खत्म हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि देर इज नो रूल दैट कि मैक्सिमम लेंथ 8 कैरेक्टर ही होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं बुक में इसको पढ़ते हैं, वैसे तो जरूरत ही नहीं है जब आप डेटा फ्लेयर के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि बुक से भी पढ़ने की आदत डालें आप, थोड़ी थोड़ी बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो आप यहां सीख ही रहे। ओके, तो यदि आप कहीं भी बुक में ये रूल देखते हैं, मान लो आपने कोई पुरानी वर्जन की बुक ले ली है, तो वहां पर ये रूल आपको मिलेगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी आइडेंटिफायर इज 8 कैरेक्टर लॉन्ग, लेकिन जैसे जैसे वर्जन अपडेट हुआ ये रूल अब एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यस, अगर आप टर्बो C++ में कोडिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल कि आपको 8 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं रखना है, योर नेम शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर। आप प्रोग्राम का नाम जो सेव करें उसको भी 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना रखें, आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करें तो भी 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना रखें अगर आप टर्बो C++ में कोड लिख रहे हैं, लेकिन VS कोड डोंट हैव दिस काइंड ऑफ रूल्स, तो इसलिए वहां पर आपने अभी हम देखेंगे भी कि मैं फंक्शन के नाम क्लास के नाम 8 कैरेक्टर से ज्यादा के भी रख सकता हूं। So these are some important rule you need to understand कि जब भी हम C++ में identifiers को use करते हैं, जब भी हम C++ में keywords को use करेंगे तो identifier क्या होते हैं, उनके rules क्या हैं, keywords क्या होते हैं। I hope you can understand keywords क्या हैं, मैंने आपको जो definition दी है, keywords are nothing but the reserve word used by the developer for their own purpose, कि अपने purpose के लिए developer ने जो reserve word
जो कीवर्ड्स रिजर्व किए हुए हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। जो वर्ड्स डेवलपर ने अपने यूज के लिए रिजर्व किए हुए हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? नेम, जो आपकी क्लास को, अरे को, वेरिएबल को, स्ट्रक्चर को, मेथड को, फंक्शन को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से फोकस होके समझना पड़ेगा बेटा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। वैसे तो भूलना है ही नहीं, ठीक है, याद ही रखना है और लाइफ टाइम याद रखना है, और एक बार सुन लिया तो याद ही हो गया फिर तो, ठीक। तो ये हमने टॉपिक आज स्टार्ट किया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो हमने बात की, डेफिनेशन की, नेम ऑफ वेरिएबल्स, क्लास, फंक्शन, अरे, स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। देन हम लोगों ने बात की कि बॉस जो भी नाम वो आइडेंटिफाई अबव स्टेटमेंट इन मेमोरी, जो इन स्टेटमेंट्स को मेमोरी में आइडेंटिफाई करते हैं, किसको, क्लास को, अरे को, स्ट्रक्चर को, वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने बात की रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर की, रूल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के जो रूल्स हैं, फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर, एक्सेप्ट अंडर स्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, लेकिन इसमें भी कुछ अपडेशन हैं, ठीक, कि कुछ और कैरेक्टर आगे चेंज करूंगा मैं, अभी इनिशियल लेवल पे आप चीजों को समझो, ठीक है। देन हम लोगों ने बात की, देर आर सम मोर रूल्स, कि आपके कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर के नाम नहीं हो सकते, ठीक, ये मैंने आपको रूल बताया, नो कीवर्ड अलाउड एज अ नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर, मैक्सिमम लेंथ इज ओनली 8 कैरेक्टर लॉन्ग बट इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन टर्बो सी प्लस प्लस, ओके। तो ये हमने आइडेंटिफायर की बात की। फिर मैंने आपको बताया कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं और इनको समझना है बेटा। अगर कहीं डाउट है, वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है, तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। और यदि डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुनिए, और फिर भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए। लेकिन कोई भी चीज को लेट इट भी नहीं लेना है एज अ बिगिनर, छोटी सी चीज भी अगर है तो उसको, डाउट है तो उसको क्लियर करिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, और बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपसे C++ के नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए करते हैं मुलाकात, टेक केयर, बाय।